फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी पनीर। ये बहुत ही अलग बनता है, इसको हम एज ए स्टार्टर ही बना रहे हैं आज। वैसे आप मेन कोर्स के हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं लहसुनी पनीर। यहाँ हम ये अमूल का मलाई पनीर यूज कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स लिया है। पहले इसके हम पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पीसेस रखने हैं। आप अपने हिसाब से चाहे तो और भी छोटे पीसेस कर सकते हैं। इस तरह से। और अगर आप एज अ पार्टी कुछ बना रहे हो, ये एज अ स्टार्टर, तो आप इसको ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हो। वो ट्रायंगल में बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंट करने में। अभी हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये अमूल मस्ती दही 200 ग्राम्स। इसको हम बोल में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ये दही के मैरिनेशन के हिसाब से डाल रहे हैं। इससे एक अच्छा फायदा होगा, पनीर जो है अंदर तक नमकीन रहेगा। समटाइम ऐसा रहता है पनीर के पीसेस बड़े रहते हैं तो अंदर से फीके लगते हैं, तो इससे वो अच्छा अंदर से भी नमकीन हो जाएगा पनीर हमारा। और ये 1/4 टीस्पून इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। और दही को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जैसे इसमें लम्स न रहे। ये देखिए, दही अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अभी हम ये इसमें अमूल के ये पनीर के पीसेस डाल देंगे। और इसे मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, पनीर अच्छी तरह से ये कोट हो चुका है। और इसे हम अभी मैरिनेट करने को रख देंगे 10 मिनट तक। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ हम इसमें 1 स्पून ऑयल डाल रहे हैं। और यहाँ हम यूज करेंगे अमूल बटर। बटर जो है जले नहीं, इसीलिए थोड़ा ऑयल यूज किया जाता है, नहीं तो टेस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। और यहाँ मैंने ये 2 छोटी लहसुन की फोड़ ली थी, और हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, उनको मैंने इस तरह से कद्दू ये कूट लिया है। लेकिन ये विजिबल रहनी चाहिए इस तरह से, एकदम ही पेस्ट नहीं हमें करनी है। ये खाने में जो लहसुन का फ्लेवर आता है मुँह में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम इसमें अभी डाल देंगे। और लहसुन को अच्छी तरह से भूनना है, हल्का सा गोल्डन रहना चाहिए इसका कलर। तब तक हम इसे भूनेंगे बटर में। यहाँ मैंने ये 5 टमाटर ग्राइंड करके रखे हैं। और ये अभी लहसुन का बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है, कच्ची स्मेल निकल गई है और हल्का सा सुनहरा होने लगा है। इसको हम ज्यादा और डार्क नहीं करेंगे। और ये टमाटो प्यूरी इसमें हम डाल देंगे। इसमें मेन फ्लेवर लहसुन का ही आएगा जब आप इसे टेस्ट करोगे। अभी हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। और ये है रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी एंड धनिया पाउडर। ये मसाले हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको हम ढकेंगे और अच्छी तरह से टमाटो को पकने देंगे हम। टमाटर की कच्ची स्मेल भी निकल जाए और ऑयल सेपरेट होने तक इसे हमें पकाना है। और यहाँ देखिए, ये पनीर भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। इसमें अभी ये बॉयल तो आने लगा है, लेकिन इसे हमें और पकाना है। और ये देखिए, पनीर इस तरह से कोट किया हुआ रहना चाहिए कर्ड के साथ, तो ही बहुत अच्छा फ्लेवर देगा पनीर की। ये देखिए, हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, लेकिन ये और थोड़ा थिक होगा क्योंकि हम लोग एज अ स्टार्टर सर्व कर रहे हैं। अगर आप इसको एज अ मील यूज करने वाले हैं नान या पराठा के साथ, तो ये ग्रेवी बराबर है, तभी आप इसमें पनीर डाल सकते हैं।
टमाटर अच्छी तरह से पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें अभी लहसुन की, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसमें हम अभी ये पनीर के पीसेस डालेंगे, पर हमें ध्यान देना है सिर्फ हम पीसेस डालेंगे, दही जो है वो हम नहीं डालेंगे इसमें। इस तरह से पनीर के पीसेस हम डाल देंगे। ये सब मसालों के साथ अच्छी तरह हम पनीर मिला देंगे, और ये मसाला अच्छी तरह पका हुआ रहना जरूरी है पहले, क्योंकि पनीर को हम ज़्यादा टाइम तक पकाएंगे नहीं, पनीर को ज़्यादा टाइम पकाओ तो वो हार्ड हो जाता है, तो ये बात हमें ध्यान देनी है। जब भी हम पनीर की कोई भी सब्जी बनाएं, पनीर को थोड़ा ही पकाया जाता है, ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अगर आपको फ्राई करना है तो हल्का सा ही फ्राई किया जाता है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं किया जाता है पनीर को। अभी हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालने से उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये अमूल फ्रेश क्रीम। ये हम 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है इससे। और ये थोड़ा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम ढक के 5 मिनट सिर्फ पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जैसे ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए पनीर के साथ। तो ये कितना आसान है बनाना लहसुनी पनीर, बस इसे हम एक बॉयल आने देंगे और ये हमारा स्टार्टर बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर जैसे आपको मैंने ये इधर हल्का ग्रेवी भी दिखाया है, अगर आप एज अ मील में यूज करना चाहते हैं मेन कोर्स में, तो इसे आप पराठा, गार्लिक नान या बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर दिए, नॉर्मली चपाती के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाता है। ये देखिए इधर ये हमारा लहसुनी पनीर बनकर तैयार है, बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से हमने ये तैयार किया है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं चाहिए इसके लिए हमें। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए जैसे न्यू वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।